Hello dear students, how are you all? I hope you all are fine. So today we are back with a new activity and its name is hot air balloon. So you know, before starting we put date, day and classwork. Let's see hume kya kya material chahiye. So we need some colored sheets. इसके अंदर कलर मेंशन है बट आप किसी भी कलर की शीट यूज़ कर सकते हैं. सीजर, ग्लू एंड वी नीड थिक थ्रेड. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी कलर की एक शीट उठा लेंगे. ठीक है, लाइक मैंने ये ले लिए रेड शीट. इसको इस तरह से हम बीच से फोल्ड कर देंगे एंड फोल्ड करने के बाद जो आपको ये बलून दे रखा है इस तरह से हमें बलून बनाना है. तो मैंने एक सैंपल कट कर रखा था, इसको इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे. कैसे ड्रॉ करना है, एक बड़ा सा सी ड्रॉ करेंगे हम पहले. लाइक दिस सी ड्रॉ करने के बाद इसको हम नीचे लेके आएंगे इस तरह से स्ट्रेट लाइन एंड देन लाइक दिस एंड वी विल कट इट. सो हमने उसे कट कर लिया और देखो इस तरह की सेम शेप आ गई होगी आपके पास भी. हमने उसको डबल करके कट किया था ना, लाइक दिस. इसको आप ऐसे ही फोल्ड रहने दीजिए. ओके, नाउ टेक अनदर शीट. हम दूसरी शीट लेंगे, उसको इसी तरह से फोल्ड करेंगे बीच से. वैसे ही जो हमारे पास सैंपल है उसको इस तरह से इस पे रखेंगे यूजिंग पेंसिल. वी विल ड्रॉ, इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे. We will cut it. देखो इस तरह से हमारे पास सारी शेप्स के ये अवेलेबल हो जाएंगे. सारे उसी तरह से हमने डबल कट कर रखे हैं. ओपन नहीं करना है, इन्हें ऐसे ही फोल्डेड स्टेट में रहने देंगे हम. ओके, अब हमारा जो सेकेंड स्टेप है उसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको ऐसे आपस में पेस्ट करेंगे हम. देखो इस तरह से इस साइड पे ग्लू लगेगा, इस साइड पे ग्लू लगेगा और ये यहाँ इस तरह से हम पेस्ट कर देंगे. ओके, तो ग्लू का यूज़ करेंगे अब हम. एंड वी विल पेस्ट दिस. पेस्ट कर दिया हमने लाइक दिस. ऐसे ही हम इस साइड ग्रीन को पेस्ट कर देंगे. यहाँ ग्लू अप्लाई करते हैं. हमने ग्लू अप्लाई कर दिया है एंड ग्रीन वाला पोर्शन यहाँ पे इस तरह से हम पेस्ट कर देंगे. एक पोर्शन रह गया है, यहाँ हमारा रेड वाला आ जाएगा इस तरह से. इसको दोनों तरफ से अप्लाई करना है हमें. लाइक दिस हमने इसको बना लिया है. अब हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ पंचिंग मशीन. पंचिंग मशीन का हम यूज़ करेंगे. आपके पास पंचिंग मशीन अवेलेबल नहीं है तो आप
वैसे किसी और इंस्ट्रूमेंट से भी होल कर सकते हैं। एक होल हमें यहाँ करना है और दूसरा होल हमें इस जगह करना है। सो लाइक दिस वी विल डू। हमने दो होल कर लिए हैं। वी विल कीप इट असाइड, इसको हम एक साइड रख देंगे। अब हम ब्राउन या येलो जो भी कलर आपके पास अवेलेबल है उस कलर का पेपर लेंगे और उसको कॉर्नर से इस तरह से हल्का सा फोल्ड करेंगे एंड विद द हेल्प ऑफ सीजर हम इस साइड को इतने पोर्शन को कट कर लेंगे लाइक दिस। हमने कट कर लिया है, अब हम क्या करेंगे इसको फोल्ड करेंगे ऐसे और यहाँ पे। इसको पेस्ट करने के लिए अगेन वी विल अप्लाई सम ग्लू। ग्लू अप्लाई कर देंगे एंड लाइक दिस हमने इसको यहाँ पेस्ट कर दिया है। सो हमारे पास ये नीचे वाला पोर्शन भी आ गया है। अब हम एक होल इधर करेंगे, एक होल अगेन इधर और इधर दो होल करेंगे विद द हेल्प ऑफ पंचिंग मशीन। जो हमने इसको पंच किया था देखो दोनों साइड से, हमने इसके अंदर इस थ्रेड को टाई कर दिया है और इधर से भी टाई कर दिया है। तो देखो ये इस तरह से हो गया है। हमारे पास जो हमारा थर्ड स्टेप है वो आ गया है। अब आपके पास किसी और कोई छोटे कलर का पेपर है तो आप उसको यहाँ पे कट करके और इधर पेस्ट कर सकते हैं, नहीं है तो भी कोई ज़रूरी नहीं है पेस्ट करना। हमारे पास इस तरह का देखो हॉट एयर बलून बिल्कुल रेडी है। आप लोगों ने देखा भी होगा हॉट एयर बलून ऐसा ही होता है ना। हाँ बहुत सारे कार्टून्स में भी दिखाया जाता है, कुछ बच्चों ने रियल लाइफ में भी देखा होगा। सो लाइक दिस वी हैव डन दिस एक्टिविटी। ओके स्टूडेंट्स बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। स्टे होम स्टे सेफ।